हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का चैनल ग्रीन लव पर। दोस्तों, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के चलते सभी नर्सरीज वगैरह बंद हैं, तो हमारे जैसे जो भाई बहन हैं वो बड़े परेशान हैं कि गर्मी के जो सीजन है वो आ भी गया है और उसके जो प्लांट हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, तो क्या करें हम। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें भी अपना गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। जो आपके पास प्लांट हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उनके ऊपर, तो इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर ही डिस्कशन करूँगी कि जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल हैं प्लांट, उनको हम मल्टीप्लाई करें और उनकी कटिंग्स लगाएं, वो कैसे लगाएं, और ये सब मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने यूफोर्बिया मिली की कटिंग ली है। इसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो इसलिए मैंने पॉलीथीन का यूज किया है हाथ पर और टॉप से थोड़ा सा प्रेस किया है। और ये देखिए, जो साइडों में इसकी पत्तियां हैं, जो जब मिट्टी पर लगने की ज़्यादा चांस जो रहते हैं उनको आप बिल्कुल काट दीजिए और ऊपर दो चार पत्ती रख लीजिए फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसके लिए, क्योंकि हमें फ्लावर या लीफ नहीं चाहिए, हमें रूट्स की डेवलपमेंट चाहिए। अगर आपके पास ऐसे जो नर्सरी से आए हुए छोटे छोटे पॉट होते हैं ये जिनमें प्लांट आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, जो क्योंकि ये वैसे ही खाली पड़े रहते हैं मोस्टली, तो कटिंग ग्रो करने के लिए ये बेस्ट पॉट होते हैं, आप इनको यूज करिए। क्योंकि इसको हम आराम से निकाल कर विद जो सोयल है हम दूसरे पॉट पर में रिपोर्ट कर देंगे जब ये डेवलप होंगे, इनमें ग्रोथ आएगी। मतलब जैसे मैं अब कटिंग लगा रही हूँ ना, तो ये रेनी सीजन में मैं रिपोर्ट करूँगी क्योंकि उस टाइम ह्यूमिडिटी होती है और प्लांट लगने के ज़्यादा चांस होते हैं कटिंग के रिपोर्ट करने के, ठीक है। तो ये मैंने लिया है दूसरी कटिंग, ये देखिए मैं कैसे कट कर रही हूँ। दूसरी कटिंग लिया है मैंने क्रोटोन की, और क्रोटोन का मेरे पास एक ही था, मैं देख रही हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा ग्रोथ कटिंग। तो इसमें भी देखिए मैंने टॉप से कटिंग कर दी है और नीचे से कर दी है, ऊपर दो चार पत्ते रखे हैं बस, तो इसको भी हम वैसे ही रिपोर्ट करेंगे, लगाएंगे कटिंग को। और ये देखिए, ठीक है ना, ऐसे हो गया। और अब मैं आपको जो मेरी पहले की कटिंग लगी हुई थी उनकी दिखाती हूँ, उनको अब अलग करने का टाइम आ गया। ये देखिए, ये येलो कलर की बोगनविलिया है और इसमें ये देखिए रूट्स डेवलप हो गई है ना। ये मैंने फरवरी में, जनवरी फरवरी में मैंने ये कटिंग लगाई थी दूसरे पॉट में और अब इसकी रूट्स डेवलप हो गई। अब गुलाब के साथ लगाई थी, गुलाब में फ्लावर आने लग गए और अब उसको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है क्योंकि दोनों प्लांट बड़े हो रहे थे। तो अब मैं इसको इस बड़े वाले पॉट में लगाऊंगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़े, मतलब इतने बड़े पॉट की तो ज़रूरत है ही, ठीक है। एक ही बार में मैं बड़े पॉट में लगा दूंगी ताकि बार 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 करना ना पड़े। कई बार क्या होता है, कटिंग लगती नहीं है जो हमारी ऐसे डेवलप की होती है ना, कई बार वो रूट्स आगे डेवलप ही नहीं होती, तो मैंने सोचा चांस ही नहीं लेना, मैंने बड़े पॉट में ही डायरेक्ट लगा देना है। तो और उसका आगे का प्रोसेस ये है, वाटरिंग करने के बाद इसको जो हम कटिंग लगाते हैं या जो ऐसे डेवलप करी हुई कटिंग लगाते हैं रिपोर्ट करते हैं, उनको चार पाँच दिन आप छाया में ही रखिए। मतलब वहाँ पर दो चार घंटे की सुबह की धूप आती हो हल्की हल्की, डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें क्योंकि उसको थोड़ा सा ये मुरझा जाते हैं, जो पत्ते होते हैं ना बिल्कुल मुरझाए मुरझाए हो जाते हैं। तो ये देखिए, आपको हफ्ते दस दिन में इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखाई देने लग जाएगी, न्यू जो ग्रोथ होती है छोटे छोटे शूट्स दिखाई देने लग जाएंगे,
तो इसी से ही आपका, अगर ये लीफ मुरझाएंगे नहीं तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो कटिंग है और ये प्लांट है चल पड़ा है। तो ये देखिए, अब इसमें वाटरिंग हो गई, अब इनको मैं साइड में रख दूँगी। ये देखिए, ये गुलाब की कटिंग और वो बोगनविलिया की कटिंग मैंने इसमें लगाई थी, इसमें फ्लावर भी आने लग गए। तो अब इसको अलग ज़्यादा जगह की ज़रूरत थी। और ये कुछ मेरी ये कटिंग टीपीओ जो मैंने अलग से रिपोर्ट करी थी निकाल निकाल कर, ये भी चल पड़ी हैं। और ये चांदनी का जो मोटा वाला फ्लावर आता है ना, वो है कटिंग कहीं से लेके आई थी मैं। इसमें देखिए छोटी छोटी शूट्स दिखाई दे रही है ना, तो इसी से ही आपको पता चल जाएगा। और ये गिलोय की बेल है, इसके मेरे टूट गई थी, साइड में ऐसे ग्रोथ हो गई थी अनइवन सी, तो यहाँ मैंने लगा दी। तो ये भी 4-5 दिन हो गए और बिल्कुल फ्रेश है और बिल्कुल नहीं मुरझाई, बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। तो इस तरह से लॉकडाउन में भी अपना टाइम स्पेंड कीजिए अपने गार्डन में, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से मिलते हैं। गुड बाय।